नमस्ते दोस्तों, मैं प्रोफेसर रुचा गांधी आप सभी का तहे दिल से स्वागत करती हूँ हमारे प्रोग्राम वर्ल्ड पीएचडी में। दोस्तों, आज हमारे साथ हमारे गेस्ट है पूनम बोडावाला जी, जो कि योगा इंस्ट्रक्टर है एंड शी इज़ ऑलरेडी पार्टिसिपेटेड इन अ लॉट ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन्स एज वेल। वो आज हमारे साथ बात करने आए हैं हेल्थ एंड अवेयरनेस के बारे में, जो कि हमारा एक मिशन है एंड वी आर ट्राइंग टू ब्रिंग अ lot of people and a lot of information for you so that you can have a little bit of idea why health is so important and how you can do small steps to take to move towards a better healthy lifestyle. So unse sunte hain ki unka kya view hai regarding health and kaise hum usko better kar sakte hain. Thank you Rucha ji, you invite me today. No problem, definitely. और आप हमारे फ्रेंड्स के साथ कौन सा लाइक मैसेज शेयर करना चाहते हैं या आपने ये पर्टिकुलर मिशन क्यों सिलेक्ट किया हेल्थ एंड अवेयरनेस? मैं मेरे सब फ्रेंड्स के साथ हेल्थ के बारे में, मेडिटेशन के बारे में, योगा के बारे में बात करना चाहती हूँ और अवेयरनेस बढ़ाने के लिए। हेल्थ है तो वेल्थ है और नरेंद्र मोदी ने भी जो योगा की अवेयरनेस 21 जून डिक्लेयर करके शुरू की है, तो उसके हम आगे बढ़ाना चाहते हैं कि सब में ये अवेयरनेस आए, योगा करें एंड फिट रहे। जी बिल्कुल, हेल्थ इज़ अ वेरी प्रेशियस एसेट एंड लोगों को वो चीज़ रियलाइज नहीं होती है जब तक उनको कुछ बीमारी आ जाए या उनको इफ़ दे आर नॉट फीलिंग वेल कुछ भी बिकॉज ऑफ द वेदर, बिकॉज ऑफ द फूड और एनीथिंग दैट दे आर कंज्यूमिंग, तो तब जाके उनको रियलाइज़ होता है अरे मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, मेरी हेल्थ अच्छी नहीं लग रही है। तो वाई टू वेट टिल दैट पॉइंट ऑफ टाइम, उससे पहले यू शुड टेक सम प्रिवेंशन सो दैट आपके साथ वो चीज़ें ना हो। एज यू ऑल नो, प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर। तो आप कुछ ऐसी पर्टिकुलर एक्टिविटी को हमारे दोस्तों को बोलना चाहते हैं कि वो कैसे कुछ एक्टिविटी कर सकते हैं जिनसे उनकी हेल्थ एक्चुअली बेटर होगी? श्योर, फर्स्ट तो कई मैं कहना चाहती हूँ कि योगा करो, बेसिक से स्टार्ट करो। मन, बॉडी, माइंड, सॉल सब फिट होता है, हेल्दी होता है और स्लोली स्लोली आप योगा में आगे बढ़ो और हेल्दी रहो। राइट, डेफिनेटली कहा जाता है कि हेल्दी बॉडी और माइंड के लिए इफ़ यू ईट हेल्दी फूड, इफ़ यू थिंक पॉजिटिवली, यू कैन एक्चुअली हैव अ हेल्दी बॉडी, हेल्दी माइंड, हेल्दी लाइफस्टाइल। और आप अगर खुद से शुरुआत करते हो तो आपको हेल्दी देख के आपका परिवार कितना खुश होगा और sure, वो भी sure, कुछ ना sure. कुछ स्टेप्स करेगा टू गेट मोर हेल्दी और टू बी मोर अवेयर अबाउट योगा और मेडिटेशन, बी इट एनी थिंग। योगा करो, मेडिटेशन करो, साथ में खाने पे भी ध्यान दो और हेल्दी रहो, क्योंकि हेल्दी फिट रहने के लिए, बॉडी वेट लॉस करने के लिए योगा के साथ खाने पे भी ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। अकेले योगा से तो हेल्दी रहते हैं, वो इंटरनल हेल्दी रहते हैं, पर फिजिकली भी हेल्दी रहना बहुत ज़रूरी है, तो खाने पे भी ध्यान देना चाहिए और पर्टिकुलर आसन, वेट लॉस के आसन, हेल्दी रहने के आसन सब कुछ समझ के फिर उस पर ध्यान दें कि आप हेल्दी रहो, जैसे कि शुगर, प्रेशर सब कुछ उससे ठीक हो सकता है। जी बिल्कुल, आप जो ये चीज़ें बता रहे हैं अबाउट योगा एंड मेडिटेशन, वो हमारी भारतीय संस्कृति की देन है जो काफ़ी सालों से चलती आ रही है। हम उनको फॉलो कर रहे हैं, कुछ आसन्स करने की ट्राई कर रहे हैं या कुछ भी, बट उसके साथ साथ आप क्या खाना खा रहे हो, आपके बॉडी में क्या जा रहा है also depends on that and that plays a very important role कि आप अपनी body को कैसे shape कर रहे हो। Like it's a very famous proverb saying that every person is the own author of his own body and own health. If you do not do anything about it, no one can write something better for you. So why not start something doing better from today itself and start doing anything, be it yoga, meditation, walk, exercise and know its benefit and experience it in real life. Usi ke saath hum kehte hain that we support world
PhD. Thank you so much.